हेलो फ्रेंड्स, इविल लिटिल कस्टम चैनल पर आप लोगों का स्वागत है एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज का प्रोजेक्ट ये है पल्सर NS200। ये थोड़ा सा एक्सीडेंट किया हुआ है, देखो इस हेडलाइट को ध्यान से देखो। तो दोस्तों, ये हेडलाइट अगर आप नए परचेस करने चाहोगे शोरूम से, तो आपको हेडलाइट के साथ और हेडलाइट बल्ब विदाउट हेडलाइट बल्ब और हेडलाइट बल्ब के साथ दो प्राइस पर आता है, एक 2300 और एक 2800। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, मेरा दिमाग में एक मॉडिफिकेशन मेथड आया, तो मैंने क्या किया, इस पर हम ये वाला प्रोजेक्टर डाल देंगे। ठीक है, ये KTM RC200, RS200, RC390 जितने सारे KTM RC मॉडल का, ये हाई बीम प्रोजेक्टर, दोनों प्रोजेक्टर रहता है, एक हाई बीम और एक लो बीम। तो हाई बीम, तो इस पर हम इसको सेटिंग कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल सेकेंड हैंड की प्राइस पर, नया वाला प्राइस परचेस करना है तो 2000 के आसपास इसका प्राइस है, और मेरे पास सेकेंड हैंड मिलता है नया के जैसा ही, ये चीप रेट पर हो जाएगा। तो मैं डिस्क्रिप्शन पर बता दूंगा कितने प्राइस पर होता है। तो अभी ये हमको काम करना है, तो कीप वॉचिंग। अब हम चेक करेंगे NS200 पर, जो KTM RC200 का प्रोजेक्टर इंस्टॉलेशन हुआ विथ इंक्लूडिंग नाइट आई H9 बल्ब के साथ हाई बीम, वो अब नाइट पर हम चेकिंग करेंगे रोड पर कैसे दिखता है, कैसे उसका फोकसिंग आता है। ठीक है, चलो। देखो दोस्तों, अंधेरा कैसा है, अब मैं फोकसिंग प्रोजेक्टर को ऑन कर रहा हूं। देखो, सामने सामने से ना एक हेडलाइट को, तो दोस्तों कैसा लग रहा है ये प्रोजेक्टर देने के बाद, बहुत बहुत इसका लुमिनेंस फोकस बहुत बढ़ गया, और ये वाला मॉडिफिकेशन शायद किसी ने आज तक नहीं किया। तो आपका भी अगर हेडलाइट टूट गया, तोड़ गया, अगर आप चाहो तो ये वाला इंस्टॉलेशन करो, तो मुझसे कॉन्टेक्ट करो, मेरे पास है, मैं ऐसा मॉडिफिकेशन और भी लाने वाला हूँ। शायद ये वाला छोटा सा वीडियो आप सभी NS लवर्स के लिए बहुत बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो आगे और भी वीडियो आने वाला है, तो कीप वॉचिंग ये भी लिटिल कस्टम। तो आज के लिए इतना ही, बाय।